हमको 95 चाहिए, हम उतना पढ़ाई नहीं की, बट मिस्टर स्मार्ट वर्क सिर्फ 20 दिन का 25 दिन का ना लगातार 8 से 10 घंटे का एफर्ट था मारने वाला। तो बेटा मैं YouTube के अंदर एक पोल किया था राइट, मैं जिसके अंदर तुम में से 60% बच्चे ये हमको आंसर देते कि भैया हमारा 60% से भी ज्यादा सिलेबस लेफ्ट है राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 20 डेज फॉर हिस्ट्री राइट। एंड भैया क्या ये 95% मार्क्स उठाना ये क्या अचीवेबल है, तो ये लेके हम बात करने वाले ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू आकाश। 5 साल से ना यार जो क्वेश्चंस हम लास्ट मिनट सेशंस के अंदर देते हैं, जो पढ़ाते हैं 95% क्वेश्चंस ऑन रिकॉर्ड कैमरे के अंदर बोल रहे हैं आ जाता है आईसीसी के अंदर, तो समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है राइट। अच्छा स्टूडेंट रिएक्शन जाके देख लो जिसका यार कोई मन में डाउट है तो राइट। अच्छा देखो यार अभी यार 20 दिन है ठीक है, हमको ज्यादा एफर्ट्स हमको मारनी है राइट, बट हमको स्मार्ट वर्क करनी है ठीक है। तो यार मैं क्या किया कि हिस्ट्री को मैं 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, मैं सिविक्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया ठीक है। सिविक्स से हमको कोई 2 क्वेश्चन बनाना पड़ता है क्या जो भी लॉन्ग पार्ट के अंदर आते हैं, एंड हिस्ट्री के अंदर बेटा हमको कोई 3 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आउट ऑफ 5। यूनिट 1 के ऊपर हम बात कर रहे होंगे इंडिया नेशनल मूवमेंट के, यूनिट 2 के अंदर मार्क्स, यूनिट 3 के अंदर कंटेम्पररी वर्ल्ड, जो कि बेटा हम बात करेंगे फॉर हिस्ट्री राइट। अच्छा तो अगर हम बात करते हैं बेटा कि इंडिया नेशनल मूवमेंट के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि हमारा 4 चैप्टर्स से यार हमको 1 या फिर 2 क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। भैया कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा, थोड़ा डिटेल्स में क्या बता सकते हैं? हाँ यार बोलेंगे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, पूरा बुक पढ़ के कुछ नहीं होगा बेटा। अभी जो बोलेंगे, जो हम पढ़ाने वाले हैं ठीक है, जो हम बोलने वाले उतना करो तुमको अच्छा नंबर आएगा, गारंटी ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ ठीक है। वीडियो को एंड तक देखो ठीक है। देखो इंडिया नेशनल मूवमेंट में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके साथ बेटा फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह चैप्टर आते हैं राइट। तो अगर सीधा भाषा में बोला जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि हम 2 क्वेश्चन इस पार्ट से बेटा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इन द पार्ट ऑफ हिस्ट्री राइट। अच्छा अगर हम बात करते हैं मास फेज की, तो उसके अंदर महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट IANA, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस का पार्ट आता है राइट, पार्टीशन के टाइम जो लास्ट चैप्टर है ठीक है। तो इधर से हम 1 या फिर 2 क्वेश्चन हम इस पार्ट से बेटा एक्सपेक्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं बेटा कंटेम्पररी वर्ल्ड का ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है बेटा, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, डिक्टेटरशिप है एंड यूनाइटेड नेशंस है। इधर से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 या फिर काफी कवर 2 क्वेश्चंस हमको लास्ट 10 साल के पेपर में आए हैं राइट। हाँ भैया आए हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि भैया इस पार्ट को हम देखते हुए चैप्टर को पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे? सुन लो सिविक्स का पढ़ाई हम बात करते हैं भैया, सिविक्स से कोई 2 बनाना पड़ता है, वो आप जितना पढ़ा है जो दिए हैं वो हो जाएगा। हाँ जो हम पढ़ाए हैं, जो हम अभी तक फ्री में यूट्यूब में दिए वो करके जाओगे, तो बेटा तुम यूनिट 1 जिसके अंदर यूनियन लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशियरी क्या है, ये 3 पार्ट का जो क्वेश्चन भी आने वाला है बेटा, मैं वो भी प्रोवाइड कर दिया ठीक है, मैं वो भी तुमको दे दिया। क्या तुम पढ़ाई किए हो? सही ये सॉल्व इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर तुम्हारा प्री बोर्ड खराब गया बेटा वो लेके मत सोचो, तुम्हारा प्री बोर्ड के अंदर तुमको कितना नंबर मिला मेरे को कमेंट में बताना। एंड क्या तुम वीडियो को शेयर करते हो जो हम बनाते हैं फॉर यू आईसीसी टू ऑल योर क्लासेस? अगर नहीं शेयर करते हो बेटा प्लीज शेयर करो, बिकॉज ये वाला वीडियो काफी कतई इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं सब बच्चे का मार्क्स आए राइट। बात सुनो ठीक है, अभी लास्ट मोमेंट के अंदर ना ज्यादा कुछ पढ़ के कुछ नहीं होगा, जितना बोलेंगे स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क तो बेटा मारनी पड़ेगी, इतना स्मार्ट वर्क कर लो ठीक है। अच्छा महा स्ट्रेटेजी जो हमने के बात करने वाले, महा स्ट्रेटेजी के अंदर हमको एक रिविजन नोट सिर्फ पढ़नी है भाई, अभी बुक्स पढ़ने कोई फायदा नहीं है, अभी क्या पढ़नी है पॉइंट वाइज चीज पढ़नी है ठीक है, पॉइंट वाइज लर्निंग करना पड़ेगा एंड रिविजन नोट्स हमको पढ़ना पड़ेगा। भैया रिविजन नोट्स क्या आप प्रोवाइड करने वाले हैं बेटा? हाँ मैं स्वयं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये जो तुम बुक्स देख रहे हो ठीक है, ये हमको क्या क्या खरीदना पड़ेगा, तुमको एक भी बुक बेटा खरीदना नहीं पड़ेगा, मैं सारा बुक्स जितना सारा बुक्स है हिस्ट्री का, एक है टेस्ट पेपर ऑसवर्ल्ड का, एक है हमारा बुक्स, ये टेस्ट पेपर का हर क्वेश्चन हम तुमको टेस्ट लेने वाले हैं, तुमको पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद समझाऊंगा उसके बाद तुमको लर्न बाय हार्ट करने के लिए बोलूंगा, उसके बाद 10 टेस्ट लेने वाले हैं हम हिस्ट्री एंड सिविक्स का। भैया कौन सी चैप्टर के लेने वाले हैं बेटा? हमारा एक ऐप है आकाश टॉक्स, तुम जानते ही हो, इसके अंदर आईसीसी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का जो हमारे कोर्स है उसके अंदर हम लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं, आज भी लिए हैं राइट। इसके साथ तुम्हारा टेस्ट सीरीज भी है एंड इसके साथ तुम्हारा पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है बेटा आईसीसी तक ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर एंड टारगेट सीरीज के अंदर हम इसका टेस्ट लेने वाले हैं पढ़ाने के बाद। भैया आप क्या क्या पढ़ाने वाले? आप क्या हर चैप्टर पढ़ाओगे? हाँ मैं हर चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं हर चैप्टर पढ़ाऊंगा बट बहुत कम टाइम के अंदर। कैसे भैया बोलिए ठीक है? देखो हम ना थोड़ा स्मार्ट वर्क करने वाले,
हमको 95 चाहिए, हम उतना पढ़ाई नहीं किए, बट मिस्टर स्मार्ट वर्क सिर्फ 20 दिन का 25 दिन का ना लगातार 8 से 10 घंटे का एफर्ट हम मारने वाले हैं। मैं बात सुनो, ठीक है, रिवीजन नोट्स भैया कर लिए, कहा कर लेंगे, मैं इसका सारा नोट्स मैं इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया, राइट। अच्छा, पॉइंट वाइज लर्निंग भैया, अगर हमको पूछेगा कोई क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, क्या उसका पॉइंट हमको याद है भैया, क्या रॉलर्ट एक्ट का पॉइंट हमको याद है भैया, अगर अचानक पूछेगा जाने वाला भैया, अगर अचानक पूछेगा सुभाष चंद्र बोस का आईए नहीं या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम पार्टीशन ऑफ बंगाल बना सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन, क्या हमको लाल बाल पाल के बारे में पता है, अगर पता है तो लिखो नीचे, कमेंट करो ये सब आंसर, ठीक है, मैं देखूंगा किसको पता है, राइट। अच्छा भैया, क्या हम पिक्चोरियल क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, एक ना एक तो पिक्चोरियल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बार क्या हर बार आता है बेटा, हर बार आता है, राइट। अच्छा, इसको बोलते हैं बेटा माइंड मैपिंग, ठीक है, ये पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा माइंड मैपिंग, ठीक है, ये पूरे प्रक्रिया जो हम करने वाले हैं उसको बोलते हैं बेटा माइंड मैपिंग। ये माइंड मैपिंग के माध्यम से हम ये पूरे चीज को इन दोनों पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए, जो कि हम ये तीन, इधर एक, इधर दो, इधर तीन, इधर एक, इधर दो, इधर तीन, ये तीन चीज हम करवा रहे होंगे, राइट। तो क्या ये बात सबको समझ में आया, से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। माइंड मैपिंग क्या करते हैं, हमको रिकॉल वैल्यू जनरेट करते हैं बेटा। रिकॉल वैल्यू कहां से आता है, रिकॉल वैल्यू आता है भैया जो जो क्वेश्चंस है, जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसका पॉइंट रिमेम्बर करना पड़ेगा वो उधर से, राइट, जिसको हम उसके बाद हम पीवाईक्यूज भी करवा रहे होंगे इस सारा चैप्टर्स का 4 से 5 बार। कहां करवाने वाले, टारगेट सीरीज के अंदर करवाएंगे, और इसके साथ तुम्हारे आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविल्स कोर्स है, इसके अंदर लाइव लेक्चर्स, दोनों कोर्स के अंदर लाइव लेक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी का आ गया है, हिस्ट्री का भी आ गया। ना करके जाओ, बहुत सस्ते का कोर्स है, टारगेट 2024 यूज करो, मैं बोलूंगा दोनों कोर्स को ले सकते हो, बहुत बढ़िया, अगर दोनों को नहीं ले सकते हो तो इसको लेना, क्योंकि ये इसके अंदर तुमको ऑल सब्जेक्ट का एक्सेस बेटा मिलने वाले हैं, राइट। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, अगर ये वन शॉट जो आप करवाने वाले हैं हर चैप्टर का, रोज करवाते हैं, हाँ बेटा मैं रोज करवाता हूँ, राइट, मैं हर एक दिन, ठीक है, एक दिन के बाद एक दिन, या फिर हर एक दिन में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का या फिर बाकी चैप्टर्स का जो होता है, हर एक चैप्टर को हम समाप्त करते हैं डेली आकाश टॉक्स ऐप एंड वेबसाइट के अंदर, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहा होगा। बात समझ पा रहे हो बेटा, ज्यादा कुछ एफर्ट देना कहां पर है, कौन सी पार्ट के अंदर एफर्ट देना है, रिवीजन नोट्स के अंदर एफर्ट देना है, पॉइंट वाइज लर्निंग करनी है, माइंड मैप जो हमने बोला, माइंड मैप में क्या होगा कि हमको सारा चीज का रिकॉल वैल्यू हो जाता है, राइट। इसके साथ बेटा हम करवाने वाले हैं पीवाईक्यू, जो कि ऐप के अंदर भी होगा एंड चैनल के अंदर भी होगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसके साथ सैंपल पेपर, जो कि सैंपल पेपर एंड सेल्फ असेसमेंट पेपर इस बुक से करवाने वाले हैं, जो कि फ्री है, 1200 रुपए का बुक तुमको इस दोनों कोर्स के साथ मिल रहा होगा, मेनली इसके साथ, एंड इसके साथ भी यार 400 बस तो नहीं यार, 800 रुपए तक का बुक तुमको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते कि अगर सारा चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद तुमको यार देंगे कि तुम टेस्ट दो बेटा, एंड वो देखने के बाद तुम मेरे को व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में उसके साथ भेजोगे या फिर मेल करो, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, हर दिन पढ़ाते हैं बेटा ऐप के अंदर, रोज क्लास होता है, मैं लेता हूँ क्लास, कोई टीचर को नहीं देता हूँ, मैं लेता हूँ क्लास, ताकि तुमको बेस्ट लर्निंग हम दे सके, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।